नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स पर। मित्रों, पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल अपनी रामकथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। कहते हैं कि वे उनके दादाजी की तरह छत्रपुर के एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे। उनके लोग इस दरबार की वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में लोकप्रिय हो गए। बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम पते सहित उसकी समस्या लिख लेते और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वह इस रहस्य को नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों की मन की बात जान लेता है। छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेंद्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं है, इसीलिए हम स्वयं ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारा यह दरबार निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह से शुल्क नहीं लिया जाता है। मंदिर में या राम कथा से हमें जो भी पैसा मिलता है हम उसे गरीब की बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तब वे राम कथा भी कहने लगे। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहते और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसे भी बोल जाते थे जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता। जैसे कि उन्होंने एक बार रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ, अगर तुम अभी नहीं जागे तो यह तुम्हें अपने गांव में भोगना पड़ेगा। इसीलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। आइए हम जानते हैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन के बारे में। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छत्रपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में हुआ। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। स्वयं धीरेंद्र शास्त्री अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। उनके पिताजी गरीब थे, वे दान धर्म लेकर ही उनका भरण पोषण करते थे। एक दिन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने पिता से कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर क्रमकांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1,000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव के कई लोगों से उधार रुपए मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे कि यह चुका नहीं पाएगा, तब वह वृंदावन नहीं जा पाए। पंडित धीरेंद्र जी के पिता का नाम रामकृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और बहन भी है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भागवत गीता का अध्ययन करना सिखाया। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और बाद में बीए प्राइवेट किया, लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति सेवा साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि हनुमान जी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। छत्रपुर के पास गड़ा में बागेश्वर धाम है जहां पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी की समाधि स्थल और उनके गुरु जी का समाधि स्थल है। यहां पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहां एक स्थान पर बांध देते हैं और राम नाम जप करते हुए मंदिर की 21 परिक्रमाएं लगाते हैं। यहां पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे।
मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की खास जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें तथा ऐसी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।